चलो दोस्तों, क्या हाल है आपको? कि उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो दोस्तों, मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आप कैसे अपने एक्सटर्नल इंटरनल हार्ड डिस्क को एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बना सकते हैं। तो बहुत से लोगों के कमेंट आए थे कि उनके एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो है, जो उन्होंने केस लिया उसमें लगाई, तो फिर उनकी शो नहीं कर रही। तो मैं बताऊँगा उसे कैसे करना है सॉल्व। तो आपको सबसे पहले अपने यहाँ पर जाना है और सर्च करने का आएगा, सर्च करना है डिस्क और आगे मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आएगा क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क पार्टीशंस। तो इस पर क्लिक कर देना है, मतलब थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम डिस्क मैनेजमेंट ऊपर आपका खुल चुका है और थोड़ा सा टाइम लेगा, मतलब लोग ले गए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आ चुका है। तो एक सेकेंड, हम पहले अपना माई कंप्यूटर भी खोल लेते हैं। बस अब हम इसे यहाँ पे ले आते हैं। तो अब आपको क्या करना है, एक्शन पे जाना है सिंपली यहाँ पे, और रीस्कैन डिस्क डिस्क का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना। फिर ये रीस्कैन करने लग जाएगा अब कि हार्ड डिस्क जो भी इसे मिलेगी वो रीस्कैन करने लगेगा, और थोड़ी ही देर में आपके हार्ड डिस्क यहाँ पे शो हो जाएगी। तो ये रीस्कैन कर रहा है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आ चुकी है लोकल डिस्क जी। तो देख सकते हैं 24 GB खाली है। तो ये नीचे आ चुकी है जो कि पहले नहीं थी जो फ्रेंड्स। तो ये कोई भी फेक वीडियो नहीं है, मतलब लोग समझेंगे कि इसने बाद में लगा दी होगी, तो ऐसा नहीं है। तो आप देख सकते हैं आपके आ चुके हैं। तो आप अगर ये ट्रिक यूज़ करेंगे तो ज़रूर से आपका हार्ड डिस्क शो हो जाएगी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, बहुत सिंपल से स्टेप्स है ये। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय।